हाय सो मेरा नाम शहबाज है और मैं यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ मुखर्जी नगर से। सो बेसिकली आज मैं बात करूँगा झारखंड के बारे में, क्योंकि मैं जेपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपीएससी के साथ मैं जेपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। सो मैं बताना चाहूँगा कि ये झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है, जो मई 1 मई से लागू की जाएगी, उस योजना का नाम है किचन दीदी दीदी किचन मुख्यमंत्री किचन योजना। ये योजना है क्या? एक्चुअली ये योजना है गरीबों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के विषय से है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड के जो खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री हैं वो रामेश्वर उरांव जी हैं, जो एक उरांव जनजाति से बिलोंग्स करते हैं। उरांव जनजाति का इतिहास बहुत ही सम्मानजनक रहा है। और ये यहाँ पर क्या होगा कि राज्य के लोगों को पका हुआ खाना, पका हुआ भोजन निशुल्क में उपलब्ध कराया जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र पंचायती क्षेत्र में लागू किया जाएगा। ठीक है, और राशन कार्ड की यहाँ पर बात की गई है, जिसके पास राशन कार्ड है उसे तो मिलेगा ही, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी आप जान 1 रुपए के हिसाब से 5 केजी चावल उन्हें भी मिलेगा। क्योंकि कोरोना संक्रमण काल जो था, लोगों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरा दिया गया। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग जो बाहर में काम कर रहे थे उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ा और वापस अपने शहर को लौट आना पड़ा। उन्हें उनके पास रोजगार नहीं है, अपनी जीविका को कैसे चलाएंगे। इन समस्याओं के कारण सरकार ने ये योजना का प्रारंभ किया है। ठीक है, जिसको दीदी किचन या मुख्यमंत्री किचन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये अगले महीने से यानी 1 मई से ये अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी आप थोड़ी सी डाटा अगर देख लें तो पिछले 2020 से जब से ये प्रारंभ हुआ, कोरोना का जो प्रभाव देखने को मिला तो उससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, तो उसके लिए सरकार ने लगभग 9.5 लाख वैसे लोग हैं जिनको अनाज प्रोवाइड किया गया। अनाज के तौर में जैसा दिया जाता था, लाइक चावल और चीनी, ये राज्य सरकार मुहैया कराती थी। लेकिन अभी इसके बाद देख जानने को मिला, कुछ बात चल रही है कि चावल और चीनी से लोग को कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आप देखें कि हमें अपने शरीर को समान बनाने रख संतुलन बनाए रखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन 12। ओके, सो ये सब चीज़ें हमें सिर्फ चावल और दाल से नहीं, चावल चीनी से नहीं मिलेगी। तो इसलिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि चावल के साथ दाल भी लोगों को मुहैया कराया जाए। ठीक है, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनका बहुत ही जल्द राशन कार्ड बना दिया जाएगा। पिछले साल लगभग लगभग 12 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड बना। ठीक है, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसे सरकार 1 रुपए के दर से 5 किलो राशन उपलब्ध कराएगी। ये मात्रा अभी कम है, अभी एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन आने वाले समय में इसको बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक मिड डे मील बेसिकली आप जानते होंगे कि क्या होगा। बच्चे को जो सरकारी स्कूल में उसे मिड डे मील, एक टाइम का भोजन जो प्रोवाइड किया जाता था सरकार के तरफ से, पिछले साल स्कूल बंद होने के कारण उसे नहीं दिया जा सका। ठीक है, तो इस साल सरकार ने ये तय किया है कि जो भी बच्चे का चावल, अंडा, दाल जो भी स्कूल में बच्चे को दिया जाता था, ठीक है, वो उसे या तो फिर खरीद कर मुहैया करवाएगी सरकार, या उसके जो रकम होते हैं, उसके जो राशि होते हैं वो उपलब्ध कराएगी उन बच्चे को जो पिछले साल इससे वंचित हो गए थे। तो ये सरकार की योजना के अंतर्गत शामिल है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये आह्वान किया है, ये निवेदन की है कि आप चावल के साथ दाल भी हमें मुहैया कराएं, ताकि हम अपने लोगों को
हम अपने जनता को, देश के नागरिक को एक स्वच्छता के साथ जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए उसे कम से कम भोजन की उपलब्धता करा जाए। एक्चुअली ये मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि आप तक जो योजना है, जो सरकार के द्वारा योजना निकाली जाती है, मैं आप तक उस योजना को कम से कम पहुंचाया जा सके ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और अपने अधिकार को जान सकें। थैंक यू सो मच। देखते रहें और बढ़ते रहें। दिस इज़ माई मोटिव।